स्वागत है आपका विदिशा अपडेट न्यूज में। मैं कृष्णकांत से घर ही अपडेट दिन भर की खास खबर। ग्राम साकल खेड़ा से आ रहे मोटरसाइकिल पर सवार पति पत्नी की जीप से हुई टक्कर, पति की हुई मौत, गंभीर घायल पत्नी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती। श्री राम विवाह पंचमी नक्षत्र के अवसर पर मंशापूर्ण हनुमान रंगई मंदिर में हुए धार्मिक आयोजन, गुरुजी ने दी अपने भक्तों को आशीर्वाद। और प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित ग्राम नटेरन के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे जिला मुख्यालय प्रशासन से लगाई गुहार। अब खबर विस्तार से। सांची रोड देवी के बाग के सामने स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पर राम कथा और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन चल रहा है। इससे पूर्व राम बारात निकाली गई। आज के दिन भगवान श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ था। देवी बाग गुलाब पार्टी का यह राम जानकी का मंदिर है। यहाँ पे रावण जी का पाठ चल रहा है, रामायण बैठी हुई है 24 घंटे के लिए। और आज राम जी का जन्मदिन शादी हुई थी, तो आज राम बारात का आयोजन किया गया है। शमशाबाद तहसील की जनपद पंचायत नटेरन के ग्रामीण आज जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि करीब 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण वासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वह पिछले 2 वर्षों से भटक रहे हैं। शमशाबाद आज आप लोग काहे के लिए आए हो? कितने लोग आए हैं? हम हैंगे 19-20 लोग हैं। काहे के लिए? कुटी जो प्रधानमंत्री आवास योजना। कब से परेशान हो रहा है? हम तो साहब परेशान कर 2011 से और अभी तक हमें कोई मतलब समस्या हल नहीं हो रहा। हमारा तो वहाँ विधायक के पास गए थे, उनका क्या कहना था? उनका कह सचिव सरपंच से मिल गए का आप तो मेरे साहब हमारा तो नहीं मिल रहा है, अकेले और हिसाब से मिल लिए थे। और हिसाब से का मतलब अब आप भी समझते हो पैसे धेले के पास मिल भी की कुटीन के बाद तक। कब से परेशान हो रही है आप? बहुत दिनास है। परिवार में कौन कौन है और आपकी? परिवार में कोई नहीं है, हम ही हैं, भैया है, 2 बच्चे हैं। तो क्या दिक्कत हो रही है कुटीन में? कुटी नहीं दे रहा साहब सरपंच। कौन है सरपंच? विधायक भी हैं, बापा उनके पास गए थे, क्या कहना उनका? यही कहता भी तो पैसा देला मांगते भी। कौन मांगते पैसा? सचिव। नहीं विधायक के पास गए थे, उनका क्या कहना? विधायक जी तो नहीं किए, वे कहते सरपंच से मिलो, सचिव से मिलो। कितने पैसे की मांग कर रहे? 10,000 रुपया मांगे। कृषि उपज मंडी विदिशा मनाज तेलन संघ द्वारा कोरोना से बचने हेतु टीकाकरण का शिविर लगाया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही और बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए पहुंचे। विदिशा के रायपुरा बस्ती के रहने वाले लगन सिंह अहरवार अपनी पत्नी के साथ मोटरबाइक से साकल खेड़ा से आ रहे थे। रास्ते में मोटरबाइक से लौटते वक्त जीप से टक्कर होने से लखन सिंह अहरवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक की 3 लड़कियां और 1 लड़का भी है। जी कहाँ रहते हैं? मैं सवाय रहता हूँ। ये कौन थे और कहाँ के रहने वाले? ये मेरे मौसिया थे, मौसिया थे, ये विदिशा रहते थे रायपुरा नई बस्ती में। तो शमशाबाद गए थे वो, उतर से आने में उनका एक्सीडेंट हुआ जीप से सांकर खेड़े। हमारे मौसिया जो थे वो ख़त्म हो गए और मौसी अभी ये
मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। श्री राम विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर रंगई धाम स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में श्री राम व सीता का विवाह के दौरान धार्मिक आयोजन हुए। गुरु श्री अभिराम दास जी महाराज, श्री रामायण महाराज मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जहां उन्होंने श्रद्धालु और भक्तों को आशीर्वाद भी प्रदान किया। रमेश शर्मा, आइए। कौन सा स्थान है और यहाँ पर क्या कार्यक्रम है? ये दादाजी का हनुमान, दादा हनुमान जी सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है और मनोकामना सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर रामायण जी सरकार और हमारे सदगुरुदेव भगवान यहाँ विराज रहे हैं अभी, और उनके सानिध्य में ही रामार्चन हो रहा है। आज जो है विवाह जानकी पंचमी है, जानकी जी का, माता जानकी जी का, राम जी का आज विवाह था, उनका उत्सव है आज, और उसी उत्सव में आज रामार्चन हो रहा है। भगवान का ये रामार्चन होता है, सवेरे से 8-10 बजे से चालू होता है, शाम को आरती तक होता है, शाम को 6-7 बजे तक आरती होगी लास्ट में, और पूरा पूजन होता है, सभी देवताओं का पूजन होकर के अंत में भगवान श्री राम जी जानकी जी का पूजन होता है, फिर आरती होती है, प्रसाद बनता है, कथा होती है, सारा काम होता है। वेद पर निर्बल अभियान के 21वें दिन गुरुवार कई सामाजिक संगठन श्रमदान में भाग लेंगे। आज शहर के वरिष्ठ गणमान्य द्वारा श्रमदान कर बेतवा के घाटों की साफ सफाई की गई। कच्ची धर्मशाला में बिहार के पूर्व डीजीपी ने गरीब व निशक्तों को भोजन कराया। ज्ञात हो कि साई कॉलोनी में चल रही श्रीमद भागवत कथा का आयोजन पूर्व डीजीपी द्वारा ही किया जा रहा है। हमारे लिए खुशी और गौरव की बात है कि बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि ये टीम जो है इतना अच्छा काम कर रही है। दरिद्र नारायण को रोज भोजन कराना, वो अभी निःशुल्क कराना, जितने लोग इस काल से जुड़े हुए हैं, मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ। और विदिशा की जनता से मैं ये अपील करता हूँ कि इस पुण्य कार्य में तन मन धन से समिति के लोगों को सहयोग करें, ताकि यह कार्य अनवरत रूप से आगे भी चलता रहे। आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिवस है कि भारत माता के गौरव, भारत की माटी के ऐसे सपूत जिन्होंने बिहार में एक कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार अधिकारी के रूप में एक छवि बनाई, बिहार के डायरेक्टर जनरल और पुलिस से सेवानिवृत्त होकर भारत की जनता को अध्यात्म के मार्ग पर भगवान राम के द्वारा दिए गए वचनों को आत्मसात करने के लिए जनता जनार्दन तक पहुंच रहे हैं। आप विदिशा में भागवत कथा के लिए आदरणीय श्री गुप्तेश्वर पांडे जी पधारे हैं, और आज जो कच्ची भवन में नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश्य से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था चल रही है, उसमें आशीर्वाद प्रदान किया। हम सब लोग आत्मविभोर हैं और उनका हृदय से साधुवाद देते हैं, उनके यशस्वी और स्वस्थ जीवन की कामना। गल्ला मंडी स्थित श्री गणेश मंदिर से भक्त और श्रद्धालु ध्वजा लेकर मड़वाली माता मंदिर के लिए रवाना हुए। वरिष्ठ और गणमान्य भी शामिल रहे। विष्णु 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 हो जाते इंद्रिय मन मुबल मन किरान नत्याज्ञा प्रभात।
परम पवित्र भारतवर्षे आर्यावर्तंतर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे मध्यप्रदेश दिशामण्डलान्तर्गत दिशानाम्नि नगरे श्रीगङ्गायां नायोः श्रीमन्निर्वतिवीरेन्द्रमानन्दराजाकीरौ आनन्दरामकृष्णकुमारे Thank you.
आज जो है गणेश जी महाराज के प्रसिद्ध स्थान पर यज्ञ और ध्वज की पूजा करके यज्ञ होना है। 5 फरवरी से यज्ञ होगा, इसलिए हनुमान जी महाराज की स्थापना होगी। उसके निमित्त आज यहाँ से ध्वज यात्रा निकलेगी जो माता मढ़धाम मंदिर बरईपुरा काचीपुरा में पहुँचेगी। वहाँ विधि विधान से हनुमान जी महाराज वहाँ के देवताओं की पूजा अर्चना होगी और ध्वज स्थापना होगी। आज से यह यज्ञ का कार्यक्रम जो 5 फरवरी से 16 फरवरी तक आरम्भ रहेगा, 10 दिन का ये विशाल कार्यक्रम है। इसमें विद्वानों द्वारा यज्ञ होगा। पंचकुंडीय महायज्ञ का विराट आयोजन है। इसमें मोहल्ले के और क्षेत्र के और शहर के नागरिकों द्वारा सहयोग करके इस कार्य को मुहूर्त रूप दिया गया है। यज्ञ होगा, विशाल भंडारा होगा, विशाल शोभा यात्रा जो हमारी 6 तारीख को माँ वेतवती मैया के पावन तट से आरंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई हमारी माता मढ़ धाम में पधारेगी। ये हमारा आयोजन है। इसके निमित्त आज विधिवत पूजा अर्चना के साथ ध्वजारोहण किया जा रहा है। आज की खबरों को देते ही प्रोग्राम आप देखते रहिएगा विधि सहयोग। पंचायती चुनाव आने को है, क्या तैयारी है आपकी, क्या रहेगा आपका? पंचायत चुनाव में हमारे राज्य प्रमुख ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच और जनपद सदस्यों के उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं उसमें शिवसेना के जनसंपर्क में आए हुए उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में इस बार लड़ रहे हैं और उन सबके लिए शिवसेना अपना समर्थन दे के और पंचायत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।